राजधानी भोपाल की खबर के साथ, जहां शराब दुकानों पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राजधानी में शराब दुकानों पर अब भी महिला कर्मचारी तैनात हैं। 10 नंबर मार्केट की दुकान पर एक महिला कर्मचारी बैठकर शराब बेच रही है। हालांकि इससे पहले सरकार ने महिला कर्मचारी की तैनाती के आदेश को रद्द कर दिया था और उस सरकारी आदेश के मुताबिक किसी भी शराब की दुकान पर किसी महिला की ड्यूटी नहीं लगनी थी। लेकिन अब आप तस्वीरें देखिए, राजधानी भोपाल का पॉश एरिया है, 10 नंबर मार्केट है और यहाँ पर महिला कर्मचारी बैठी हुई हैं और दुकान के अंदर जो लोग बैठे हैं यही दुकान का संचालन कर रहे हैं। दुकान से शराब बेची जा रही है, महिला कर्मचारी की ड्यूटी अंदर है या फिर किस लिए बैठी हैं, लेकिन नियमों की धज्जियाँ साफ तौर पर उड़ रही हैं और कैमरे को देखकर असहज स्थिति इस वक्त दुकान के भीतर पैदा हो गई। देखिए, कैमरा देखकर और हमारे रिपोर्टर को देखकर महिला अधिकारी दुकान से उठकर बाहर आती हैं, कैमरे को बंद करने के लिए कहती हैं, कुछ बहसबाजी भी होती है। क्या कुछ उस वक्त वहां चल रहा था, जायजा लिया आकर्ष ने, पहले सुनिए फिर आपको इस खबर पर आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर लगातार दावे किए गए थे कि महिला शराब की दुकानों पर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगेगी, लेकिन आप देख सकते हैं आबकारी विभाग के जो तमाम अधिकारी यहां पर बैठे हुए हैं, महिला कर्मचारियों की भी यहां पर तैनाती की गई है। जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी यहां पर बोला था, जब लगातार अपोजिशन सवाल उठा रहा था कि आखिर शराब की बिक्री के दौरान महिला कर्मचारियों की तैनाती क्यों करी गई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 10 नंबर स्थित जो वाइन शॉप है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी महिला कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं। तमाम जो बल है यहाँ पर आबकारी के साथ, आप देख सकते हैं समय 8:30 का टाइम है तो वही चल रहा है, 8:30 से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। हालांकि 8:30 से 9:15 बजने वाले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है महिला कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है। हम बात भी कर लेते हैं कि आखिर जो मैम है आबकारी की, वो यहाँ पर तैनात हैं। मैम, आबकारी से मना है, पहले आप बंद करो उसको। बताइए ना मैम, आखिर मना किया गया है तो आबकारी विभाग की जो आप, किस बात के लिए मना किया है आपको? प्रदेश सरकार ने बोला था कि वाइन शॉपों में महिला कर्मचारियों की तैनाती नहीं की जाएगी, आप मौजूद? किस बात के लिए महिला कर्मचारी की तैनाती? शराब की बिक्री के लिए नहीं है, हम महिला अधिकारी कर्मचारी नहीं है। महिला अधिकारी कर्मचारी दोनों, हमारा काम यहाँ सुपरवाइज करना है, सुपरवाइज करना है, दुकान चेक करना है, हमारा काम है वो। नहीं, लेकिन आप बैठी तो हैं वाइन शॉप में और जब शराब की बिक्री हो रही है आप देख रहे हैं। हम दुकान जब चेक करेंगे तो कैसे देख करेंगे, बाहर से? लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की साफ मना कर दी गई थी मैम वाइन शॉप को लेकर, आप लोगों के पास आदेश नहीं है? अब आपको जो भी पूछना है आप ऊपर पूछिएगा। तो आप देख सकते हैं कि अधिकारी जो हैं, तमाम जो अधिकारी हैं चाहे महिला कर्मचारी, उनका ये कहना है कि वाइन शॉप में जरूर मौजूद थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था कि अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती जो है वो वाइन शॉप में नहीं की जाएगी, अब देखना होगा कि हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के दावे जरूर हैं, प्रदेश सरकार ने बोला था वाइन शॉप में महिला कर्मचारियों की तैनाती नहीं की जाएगी, लेकिन 10 नंबर राजधानी भोपाल की 10 नंबर में जरूर महिला कर्मचारी मौजूद पाई गई और साथ में 8:30 का समय होने के बावजूद भी दुकान 8:45 तक संचालित की गई, जो कि अभी तक संचालित की जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश यादव के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो ये तस्वीरें थी राजधानी के उस पॉश मार्केट की, 10 नंबर मार्केट कहलाता है, शराब की दुकान खुली हुई है, आबकारी विभाग की एक महिला अधिकारी वहां पर बैठी हैं, खुद को अधिकारी कह रही थी और उनका कहना था कि मैं यहाँ पर सुपरवाइजरी का काम करने के लिए आई हूँ। सरकारी आदेश है साफ तौर पर किसी भी शराब की दुकान पर महिला की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएं, उस महिला की हमने बातचीत भी सुनाई। इस खबर पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ राहुल कोठारी साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं और सैयद जाफर कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं, आकर्ष भी इस वक्त हमारे साथ रहेंगे। आकर्ष, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, दोनों मेहमान कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, बहुत जल्दी से उस घटना का रिव्यू हमें बताइए, क्या कुछ आपके साथ घटा, समय क्या था, फिर मैं जवाब पूछता हूँ। सबसे पहले सोहेल, मैं बताना चाहूँगा जो सरकारी आदेश है वो राजधानी भोपाल में 8:30 तक का शराब दुकानों को संचालित करने का है, उसके बावजूद दुकान खुली हुई थी। जब हम वहाँ पर कैमरा लेके आईडी लेकर वहाँ पर पहुँचे तो कहीं ना कहीं हमें महिला कर्मचारी जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद थी, उनने साफ तौर पर, आपने सुना होगा, उनने सबसे पहले यही बोला कि कैमरा बंद करिए, आप कैमरा बंद करिए। वहाँ पर जो स्टाफ भी था, उसके बाद भी जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो थोड़ा असमंजस हम लोगों के बीच में हो गया था। तो साफ यही है कि जिस तरीके के आदेश साफ प्रदेश सरकार
सरकार ने कर दिए हैं कि महिला कर्मचारी और अधिकारियों की शराब की दुकान के अंदर तैनाती नहीं की जाएगी और वो उन मॉनिटरिंग भी उन चीज़ों की नहीं की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं यदि असमंजस, यदि नियमों का पालन किया जाता तो साफ तौर पर जो महिला कर्मचारी थी वो इस तरीके से बात नहीं करती। साफ यही है कि नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सोहेल, साफ तौर पर राजधानी भोपाल के 10 नंबर 2200 पर जिस तरीके से हमने घटनाक्रम देखा और आपने भी देखा कि साफ तौर पर महिला कर्मचारी वहाँ पर 2200 के अंदर बैठी हुई थी। ठीक, 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 ठीक। राहुल कोठारी साहब, आपके पास आना चाहूँगा। इस बार तस्वीरें भी हैं, बाइट भी है और मौके पर हमारा संवाददाता भी था। क्या मानेंगे, सरकारी आदेश की कॉपियां क्या विभाग के अधिकारियों के पास नहीं पहुंची? नहीं, देखिए ऐसा मामला तो हो नहीं सकता, लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखिए मैंने आपसे कहा पालन कराने के लिए लगातार सजग रहती है। मेरा निवेदन है, आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए, बोलिए उसके बाद आप जितना टोकना है टोके। जिस तरह से पूरा वाक्य सुना है, मुझे लगता है वो महिला ने स्वयं अपने आप में जवाब दे दिया है कि वो कोई साधारण कर्मचारी नहीं है बल्कि अधिकारी होकर सुपरवाइज करने के लिए, चेक करने के लिए दुकान पर आई थी। और उसके बाद भी अगर इस व्यवस्था को नहीं समझा जाता तो बड़े आश्चर्यजनक वाली बात होगी। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आज जब हम बात करते हैं देश में महिला और पुरुषों की समानता की, कंधे से कंधे मिलाकर चलने की, और उसके बाद हम देखते हैं कि परिवहन में भी कई तरह की निरीक्षक होती हैं जो महिलाएं होती हैं। हम टीचर्स की अगर बात करते हैं तो सेंट्रल स्कूल और नवोदय स्कूल में तो कई बार ये होता है कि साउथ इंडिया की टीचर सुकमा छत्तीसगढ़ में पोस्ट हो जाती है, और अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो उस दौरान उनको छोटे छोटे बच्चों को भेजने के लिए इधर से उधर जाना पड़ता था। तो ऐसे मामले में मुझे लगता है कि इस तरीके की सारी बातें उत्पन्न हो, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानता हूँ कि लगातार की जहाँ तक बिक्री की बात है उस पर सरकार गंभीर थी, बिक्री में नहीं लगा है। और चेक की जहाँ तक बात है, चेक करने के लिए भी उसका कोई समय नहीं। जाफर साहब, आपके पास आऊंगा। पुरुष और महिलाओं को समानता का अधिकार है, ये कहना है बीजेपी का, इसलिए महिला शराब की दुकान पर बैठी है और समय भी दुकान बंद करने का हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए मैं राहुल जी की बात से पूरी सहमत हूँ कि महिला और पुरुष को समानता के रूप से काम करना चाहिए। लेकिन जहाँ एक और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शराब दुकानों पर महिलाओं की ड्यूटी लगाई थी, विधिवत रूप से आदेश जारी हुए थे और इन महिलाओं कर्मचारियों अधिकारियों के अलावा इन्होंने कई जिलों में शिक्षकों की, जो पॉलिटेक्निक और डिग्री कॉलेज होते हैं उनके शिक्षकों के भी आदेश निकाल दिए थे। विपक्ष की ऐसे जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया, जब जाकर सरकार की आंख खुली और सरकार ने इन आदेशों को निरस्त किया। और मैं बंसल की इस खबर से बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जब रात्रि जब शराब दुकानों पर महिला अधिकारी कर्मचारियों को तैनात करने एवं उनके इलेक्शन की जवाबदारी नहीं दी गई है तो मुझे लगता है कि उनको इन चीजों से बचना चाहिए। और ये एक प्रकार से सीधे तौर पर महिला अपमान का भी एक मामला बनता है कि जब सरकार ने भी मना कर दिया है और अगर सरकार कागजों में मना करती है और ऊपर से जैसा कि मैं उनको सुन रहा था, मेरे ख्याल से वो इंस्पेक्टर या TI लेवल के अधिकारी हैं जी, तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ऊपर से आप बात कीजिए, इसका मतलब कोई आदेश होने के बाद इनके उच्च अधिकारी अगर उन्हें इस प्रकार का दबाव डाल रहे हैं कि रात में आप शराब दुकानों की निरीक्षण करो तो ये गलत है। और इस पे भी मुझे लगता है कि बंसल को थोड़ी सी तहकीकात करनी पड़ेगी कि क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें मौखिक रूप से आदेश दिया, अगर दिया है तो उन सब पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, इसकी भी पड़ताल बंसल न्यूज कर लेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर साहब आपका और कोठारी साहब आपका, तमाम बातचीत के लिए। तो एक महिला अधिकारी शराब दुकान पर बैठी दिखी, राजधानी का 10 नंबर मार्केट है, शराब दुकान है, बंद करने का समय हो चुका था। बंसल न्यूज़ का कैमरा देखकर ज़रूर वहां पर खड़े तमाम लोग थोड़े हिचकिचाए, अधिकारी उठ के बाहर भी आई, संवाददाता आकर्ष से उनकी कुछ बहसबाजी भी हुई और लगातार वो कैमरे को बंद करने का आग्रह भी करती रहीं। आकर्ष, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको ये कवरेज करने के लिए? हमें लगा कि कुछ दिक्कत भी आपके सामने आई है, हमें इस तरह की कुछ जानकारी मिली है। साफ तौर पर जब हम लोग फील्ड पर काम करते हैं तो कई बार ऐसा स्थिति बन जाती है कि कई जगहों पर जब नियमों का उल्लंघन होता है, जब वहाँ पर मीडिया पहुँचती है तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन हालांकि वहाँ पर जब ऐसी स्थिति बनी तो वहाँ पर पुलिस को हमने मौके पर बुलाया, तो पुलिस ने जब वहाँ पर पहुँची तो वो जो स्थिति थी वो सामान्य हो गई और हम लोग फिर वहाँ से निकल कर आ गए और अपनी जो कवरेज है उसको पूरी कराई और अपने दर्शकों तक ये पूरी ही कवरेज हमने पहुँचाई। साफ तौर पर यही है, नियमों का उल्लंघन जब करते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी जब वहां पर पहुंचते हैं तो कभी ना कभी उनको भी अलग तरीके की स्थिति जो है उसका सामना जरूर करना पड़ता है। सोहेल, चलिए आकर्ष अपना ध्यान रखिए इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको तस्वीरें दिखा रहा है, राजधानी भोपाल की हैं। सरकारी नियम थे कि शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग के अधिकारी और खासकर जो महिला हैं उन्हें तैनाती नहीं दी जाएगी। अब इस मामले की पड़ताल ज़रूरी है कि ये जो महिला अधिकारी शराब की दुकान पर बैठी हुई मिली, ये किसके आदेश से वहाँ पर बैठी थी, सरकारी नियमों का उल्लंघन है या नहीं, क्या करने आई थी, बहरहाल काउंटर पर बैठी थी जहाँ से शराब की बिक्री चल रही थी। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।